चलिए सब बच्चों को वॉइस वीडियो क्लियर है ना, स्क्रीन क्लियर है? सबको वॉइस वीडियो स्क्रीन क्लियर? यस और नो? शायद वही जा रही मेरी सबके पास। ओके चलिए फिर श्रद्धा स्टार्ट कर रही है। श्रद्धा क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। श्रद्धा क्वेश्चन समझाओ एक बार। बताओ किसकी वैल्यू क्या होगी? टेंजेंट कितना है? देखो एक बार, टेंजेंट बोला है, इसमें टेंजेंट कौन है? और पीओसी? एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से देखो एक बार। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिल्कुल बिल्कुल श्रद्धा ने सही बोला था पहले। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहाँ पे है? ए है, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? 90 बनेगा। अब इस ट्राइंगल को यहाँ पे हम बना लेते हैं। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये x ले लेते हैं। चलो इसको हमने x मान दिया, ठीक है। कक्ष बता रहा है, टक्स मीटिंग में हो? टक्स युक्ति हेलो हेलो हाँ सर, प्रिंस ने मीटिंग चालू करा मटे के जो ओके ओके ठीक छे। हाँ युक्ति बोल हाँ रुको रुको एक मिनट भाई, एक
क्या कर रहे हैं बच्चे? युक्ति आवाज सुन पा रहे? टॉक्स फोन साइड पे कर दिया लग रहा है मुझे। हेलो, हाँ युक्ति ने कि जो क्लास ज्वाइन करे, आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? माइक ऑन करो। एक्सप्लेन करो, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर स्क्वायर प्लस एक्स, 4² + x 25 = 16 + x² 16 = 25 - 16 = 3 प्लस और माइनस 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा? सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ तो माइनस में होगी नहीं, इसीलिए प्लस 3 मान से रख लेते हैं। ओके, टक्स कहाँ गया है इक्विटी को? अगर टक्स से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो खुशी एक्सप्लेन करेगी। हेलो, हाँ टक्स ने कितनी मीटिंग ज्वाइन करे? हाँ उसी एक्सप्लेन करो। दो सर्कल से सिंगल रेडियस 5 सेंटीमीटर और दूसरे का 3 सेंटीमीटर है और लाइटर सर्कल का 4 5। रियांशी क्लास ज्वाइन करो। ओके ठीक है, हाँ हाँ मैंने कल ही बताया था। कंसेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं? जिनका कॉमन सेंटर होता है, ठीक है, जिनका क्या होता है? कॉमन सेंटर होता है, दोनों का कॉमन सेंटर ओ है, ठीक है। अब देखो टू कंसेंट्रिक सर्कल का रेडियस कितना है? ये ब्लू लाइन वाला मतलब बाहर का रेडियस, ये दिया हुआ है आपको कितना? 5 सेंटीमीटर। और जो छोटी रेडियस है जिसको मैंने नाम दिया है बी, ठीक है, वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ठीक है, मतलब आपको लार्जर सर्कल का कॉर्ड फाइंड करना है। मतलब मैं आपको डायग्राम बना के दे रहा हूँ, तो ये रेड वाला लाइन सेगमेंट xy फाइंड करना है।
देखो बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल में बना रहा हूँ, इसी के बेस पे मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये हो गया O, ये हो गया X, ये हो गया Y और एक लाइन यहाँ पे बना रहा हूँ ब्लू कलर से, ये लाइन जिसको नाम दिया मैंने M, तो यहाँ पे भी मैं नाम देता हूँ M। अच्छा अब यहाँ पे OX की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और ये जो स्मॉल रेडियस है वो कितनी है 3, तो ये कितना होगा 3 होगा। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, ये स्मॉलर सर्कल की रेडियस है, स्मॉलर सर्कल की रेडियस है और ये लार्जर सर्कल की रेडियस है, ये मेजरमेंट कैसे लिया समझ में आया आपको, या एक बार एक्सप्लेन कर दो। युक्ति तक श्रद्धा शिवान खुशी जैनी दिग्विजय, यस सर, ये मेजरमेंट कैसे लिया समझ में आया, यस सर। ओके मैंने क्या कर दिया है, सिर्फ इतना इतने पोर्शन से मैंने क्या कर दिया है, एक ट्रायंगल बना दिया है, क्योंकि मुझे अब सर्कल की कोई ज़रूरत नहीं। ओके फाइन, अब मेरा मेन गोल क्या रहेगा, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर। बट एक्स वाई है ना दो पार्ट में बटा हुआ है, देखो फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है, अगर मुझे एक मिल जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई टू कर दूंगा तो मुझे पूरा एक्स वाई मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं एक शेड कर रहा हूँ वो वाला ट्राइंगल के ऊपर, आप फोकस करो, इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ये हो गया 5, ये हो गया 3 और इसको मैं एक्स एम ओ, क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, yes, sir. कैसे करेंगे, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम स्क्वायर प्लस एक्स एम स्क्वायर, ओ एक्स कितना है ओ एम 3 स्क्वायर और एक्स एम आपको मालूम नहीं है, यू गेट 25 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स एम स्क्वायर, इसको यहाँ पे आप शिफ्ट करोगे कितना आ जाएगा 16, ये यहाँ पे गया एक्स एम इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कितना है 4 है और ये भी कितना है 4 है, मतलब आपको एक्स वाई की टोटल लेंथ कितनी मिलेगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कितना हो गया 4 हो गया और ये भी कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्लियर हुआ। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हाफ एली मान लो, बोर्ड एग्जाम मान लो, कोई भी एग्जाम मान लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, अदरवाइज आपको वीडियो तो मिल ही जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, वैसे ही चैप्टर बहुत बड़ा है बट कोरोना कोविड पेंडेमिक की वजह से इस चैप्टर को बहुत छोटा कर दिया है, आज ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा।
ओके पहला क्वेश्चन देखा जाए 10.2 का, कल हमने 10.1 की थी, आज हम 10.2 कर रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन किए हमने वो भी 10.2 के ही है। पहला क्वेश्चन सब लोग सोचेंगे, एक्सप्लेन करो। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। अगर टेंजेंट की लेंथ 24 सेंटीमीटर होगी, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर ऑफ 25 सेंटीमीटर। पहला को सेंटर लेंगे और इसका टेंजिंग 24 सेंटीमीटर की लेंथ है दूसरी ओर। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो। और पॉइंट टू से क्यू 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके डायग्राम में नेम दे रहा हूँ, मुझे बता देना कौन सा पॉइंट मुझे कहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। ये पॉइंट क्यू होगा, इसको हम पी और आर ले लेते हैं। चलो तो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 25। रेडियस आपको फाइंड करनी है, एक्स ले लेते हैं। और टेंजेंट की लेंथ देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ढूंढ लो कौन सा होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जेनी तैयार है। उसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारा पी है यहाँ, इसका मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे 90 बनने वाला है। तो डायग्राम सही सही से बनाना, क्योंकि आप ये डायग्राम कैसे है कि आपको लगेगा कि हाइपो यहाँ पे कुछ और बनेगा, बट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपने ढूंढ लिया तो डायग्राम आपकी सही आ जाएगी। क्या हुआ, हाँ हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस आपको फाइंड करना है। तो पाइथागोरस लगाओ दिख भी जाए। आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। आर क्यू कितना है, पी क्यू ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर। इसको यहाँ पे लेके जाओगे 625 माइनस 576 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 49। इसको यहाँ पे लेके आए तो कितना हुआ, मतलब ये आ जाएगा प्लस और माइनस 7। देखो तो ऑप्शन में है क्या आंसर 7, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी
माइनस वाला तो आंसर लेना नहीं है, 7 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। जैनी की बारी एक्सप्लेन करने की। यहाँ पे टेंजेंट कितने बन रहे हैं मुझे बताओ तो जैनी। टू। नाम दे रहा हूँ, मुझे नाम बताना अभी। यहाँ पे हमने एक्स ले लिया है, ये पी और क्यू और ये आर। यहाँ पे कितने कितने टेंजेंट हैं? टू टेंजेंट। कौन कौन से? px और qx, ओके। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितने हैं? दो टेंजेंट हैं तो दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होंगे। r हमारा क्या है? r हमारा सेंटर है। r सेंटर है। अच्छा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है मतलब वहां पे एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। बिल्कुल सही, ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री। चलिए ये भी कितना हो जाएगा? 90 हो गया। और देखो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे एंगल दिया हुआ है कितना? 110 डिग्री। बिल्कुल सही। ये एंगल कितने का होगा वो हमें फाइंड करना है। क्या बोला है देखो, एंगल पी टी क्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया, नाम सिर्फ चेंज किया है। यहाँ पे पी टी क्यू आपका ये रहा, देखो पी टी क्यू मतलब आपको ये एंगल क्या करना है? फाइंड करना है। नंबर वही के वहीं से मैंने नाम चेंज किया, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताओ कि ये जो आपको ब्लू कलर का ये दिख रहा है सेम ऐसा, इसमें कितनी साइड है? 1, 2, 3 और 4। चार साइड है, मतलब ये क्या है? क्वाड्रिलेटर है। और क्वाड्रिलेटर में सारे एंगल का सम कितना होता है? 360। अब देखना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेजर एंगल पी प्लस मेजर एंगल आर प्लस मेजर एंगल क्यू प्लस मेजर एंगल एक्स, सबका सम करेंगे तो कितना आएगा? 360। अब जिसकी जो जो वैल्यू है वो रख दो। एंगल पी कितने का है? 90। एंगल आर 110, ये 90, और एक्स आपको मालूम नहीं है। 90, 90, 180 प्लस कितना हो गया? 100। सही है, सही है या थोड़ा सा कंफ्यूजन है? 360 माइनस 290, एक्स की वैल्यू 90 है, 10 ऐड किया 300 और 60 दूर मतलब 70। ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। चलो ये तो हो गए ना, फुल मेथड हुई, ये फुल मेथड हुई।
आपका मतलब फुल मेथड आ गया इसके अंदर। मैं आपको यहाँ पे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखो ऐसा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, आपको पता है कि ये एंगल तो कितना है 90 है, ये एंगल कितना है 90 है, ठीक है, तो इनको तो आप काउंट ही मत करो। अब मैं जो रेड वाला एंगल बता रहा हूँ, ये एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, इनका आप सम करोगे तो हमेशा 180 आएगा। तो आप देख लो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इसको तो आप काउंट ही मत करो इन दोनों को। ये एंगल कितने का था, 110 का था, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, दोनों का सम कितना आता है, 70 आएगा, तभी तो 180 बनेगा। जैसे जैनी बताएगी, अब जैनी का क्वेश्चन था तो जैनी बताएगी, अगर यहाँ पे एंगल 30 का है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 30। नहीं नहीं नहीं, इसको काउंट नहीं करना है, इसको भी काउंट नहीं करना है, इसका और इसका सम कितना आता है, अच्छा तो ये 30 दिया हुआ है तो ये कितना होगा, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है वो कितना होगा। अगर जेनी ने बताएगी तो युक्ति ने हैंड रेस किया है, युक्ति बताएगी 150, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लीजिए समझने के लिए। मैंने क्या बोला, एंगल तो काउंटिंग मत करो, अभी 90 फिक्स हो गया एंगल, तो अगर ये एंगल 50 का है तो ये एंगल कितने का होगा। आपको मालूम है कि ये दोनों एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, इसका और इसका सम कितना होता है, 130, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर आपको ये 3 मार्क में या 4 मार्क में आ जाए तो ये फुल मेथड कर देना, बट जनरली ऐसे क्वेश्चन है ना ये आपको एमसीक्यू में दिख जाएंगे, जहाँ पे आपको मेथड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में कोई शॉर्ट ट्रिक होगी तुरंत चल जाएगी। क्लियर। चलिए अभी टक्स की बारी नहीं आई थी, टक्स बताएगा और फिर शिवांग अभी बाकी है, शिवांग भी बताएगा उसके बाद। आखिरी वाला क्वेश्चन है, क्या हुआ, नहीं डायरेक्ट नहीं बताना है, अच्छा ये तो भी अभी डिस्कस किया वही का वही है, डिस्कस किया वही का वही क्वेश्चन आ गया। बिल्कुल, PA and PB. Center O है। ये हो गया A point, B point और ये P point हो गया और center O, ठीक है। क्या बोला है? Circle to center O are inclined to each other at angle AT. 80 का है तो आप सोच ही सकते हो ये एंगल कितने का बनेगा। इनको तो आप काउंट मत करो, आपको पता है कि इसका और इसका सम कितना होता है, 180, ठीक है। POA बोला है, POA POA बोला है, POA, एक मिनट क्वेश्चन समझ लो, टेंजेंट पी एंड पी बी या फ्रॉम द सेंटर पी टू सर्कल सेंटर ओ, एक मिनट ये कितना हुआ आपका, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। आपको कौन सा एंगल बोला है, देखो
जल्दबाजी में गलती नहीं करना है आपको। अब इन्होंने एंगल जो मांगा है वो देखो, POA, POA मतलब देखो, POA मतलब आपको ये एंगल बताना है, ये वाला एंगल। आपके पास ये पूरा एंगल कितने का है? 100 का है, ठीक है? तो इसका आधा ठीक है, क्लियर हुआ? इसीलिए कभी कभी आप शॉर्ट ट्रिक ले लेते हो कि चलो आंसर आ गया, बट आपको कुछ और ही पूछा होता है। ये पूरा एंगल 100 का है, मतलब ये कितना हो गया 50, और ये भी कितना हो गया पी, वो एंगल बनेगा और ए आपका एंड पॉइंट बनेगा। तो क्या पूछा है वो एक बार देखो आप, ठीक है? दिख लीजिए, क्लियर हुआ? अभी नहीं, अभी इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा बेसिक डिसीजन करेंगे यहाँ पे। सर्कल सर्कल के मेनली दो फॉर्मूलेस के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक तो हो जाएगा हाइलाइटर ले लेता हूँ, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये क्या है? इसकी बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल के लिए बाउंड्री का, बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, या फिर हम क्या बोलेंगे इसके लिए, पेरीमीटर। जनरली सर्कमफेरेंस बोलना सही रहेगा। सर्कल के लिए, सर्कल की बाउंड्री के लिए हम कौन से वर्ड यूज करते हैं? सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर। जनरली पेरीमीटर है वो स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए यूज करते हैं, या यहाँ पे सर्कल के लिए मेजरली हम सर्कमफेरेंस यूज करते हैं। सर्कमफेरेंस ही डेडिकेटेड वर्ड है सर्कल के लिए, ठीक है? बट अगर आप पेरीमीटर भी बोलोगे तो गलत नहीं हो जाएगा आपका। और सर्कल ने यहाँ पे देखो कितना कितनी जगह को ऑक्यूपाई किया है, सर्कल के अंदर कितनी जगह है, ठीक है? वो हो जाएगा आपका एरिया, एरिया, ठीक है? अब बाउंड्री के लिए या सर्कमफेरेंस के लिए या पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल जिसको हम शॉर्ट में क्या दिखाते हैं, सी, और एरिया को हम शॉर्ट में क्या दिखाते हैं, ए, ठीक है? अब सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू 2πr, ठीक है? ये आपका मेन फॉर्मूला हुआ, सी इज इक्वल टू 2πr। ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में डायमीटर दिया होता है तो आप क्या करोगे, डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, ठीक है? पहले आप डायमीटर से रेडियस बनाओगे और फिर इस फॉर्मूले में रखोगे, ठीक है? डायमीटर दिया रहेगा तो उसको आप क्या कर दो, आधा कर दो, क्योंकि डायमीटर कैसा होता है, डबल होता है हमेशा रेडियस का। तो अगर किसी क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है तो उसको क्या करोगे, आप हाफ करके रेडियस बनाओगे और फिर इस क्वेश्चन में रखोगे। दूसरी बात यह है कि अगर कभी, पहला क्वेश्चन तो क्या आता है कि रेडियस दिया हुआ होता है और आपको सर्कमफेरेंस फाइंड करना होता है, वो तो आप कर लोगे आराम से फॉर्मूले के हिसाब से। बट कभी कभी क्या होता है, सर्कमफेरेंस दिया होता है और आपको रेडियस फाइंड करने के लिए बोला जाता है, तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। क्या करेंगे हम, सी बाय टू पाई,
इज इक्वल टू आपका रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, आप क्या करो इस 2 पाई को नीचे भेज दो इस साइड, बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आप रेडियस चाहते हो, रेडियस फाइंड करना चाहते हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। वैसे तो मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो ये फॉर्मूले आपको रिवाइज करते रहूंगा, तो आपको वहाँ पे भी इस चीज़ समझ में आ जाएगी, बट अभी मैं जनरल डिसीजन कर रहा हूँ यहाँ पे। और एरिया की बात की जाए तो एरिया ए का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से भी अगर आपको रेडियस का फॉर्मूला चाहिए तो इस पाई को आपको इधर भेजना पड़ेगा, ए बाय पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मुझे आर स्क्वायर नहीं चाहिए, आर अकेला चाहिए, तो आप स्क्वायर रूट लगा सकते हो। रेडियस क्या हो जाएगा, एरिया बाय पाई। ठीक है, अगर एरिया गिवन है और रेडियस फाइंड करनी है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और रेडियस गिवन है और एरिया फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब आपको चार मेन फॉर्मूले याद रखने हैं, चार भी नहीं, दो ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, लर्न करने हैं, और इसके बेस पे आप दो डेरिवेटिव फॉर्मूले बना सकते हो। तो ये तो हुआ हमारा जनरल डिस्कशन सर्कमफेरेंस और एरिया का। अभी हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं और मैं आपको वहां पे फॉर्मूले भी लर्न कराते रहूंगा बीच बीच में। चलो, ये पहला क्वेश्चन आया, अभी सीक्वेंस से चलेंगे। पहला क्वेश्चन दिग्विजय बताएगा, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल बोला हुआ है। देखो, मैं पहले सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, सी इज इक्वल टू टू बाई आर, और अगर आप आर चाहिए तो सी बाई टू बाई, आप इसमें से कोई एक फॉर्मूला पिक कर लेना जो आपको सूटेबल लगे, और अगर आर चाहिए तो ए बाय पाई का रूट बन जाएगा। इसमें आपको देखो रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस इज गिवन, तो और सर्कमफेरेंस चाहिए तो हम ये फॉर्मूला ले लेंगे। क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस सी इज इक्वल टू टू पाई आर, सर्कमफेरेंस सी इज इक्वल टू टू इंटू पाई की वैल्यू आपको मालूम है, पाई की दो वैल्यू है, पाई इज इरेशनल नंबर, 3.14 ले सकते हो और 22/7 ले सकते हो। अगर आप 3.14 लेते हो तो आपका आपका आंसर है ना करीबन, मतलब एग्जैक्ट आंसर आता है आपका एग्जैक्ट, ठीक है। बट 3.14 लेने से क्या होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका डिफिकल्ट हो जाता है, मैं जनरली 22/7 यूज़ करता हूँ। बट क्या करना है आपको, क्वेश्चन में देख लेना है, कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ रहता है पाई इज इक्वल टू, आपको 3.14 लेना है, ऐसा क्वेश्चन में कभी कभी पीछे दिया हुआ रहता है। आर की वैल्यू कितनी है, 7, ये 7 यहाँ से कट गया, 7 इज इक्वल टू कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन का कि अगर कोई सर्कल है और उसकी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी बाउंड्री कितनी होगी, 44 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया मैंने और यहाँ पे पॉइंट बी ले लिया, अगर मैं दोनों पॉइंट को ओपन कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, सर्कल को ओपन कर दिया ऐसे, खोल दिया, तो ये कितना होगा, 44 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। क्लियर हुआ, चलिए दूसरा क्वेश्चन जाइए। हाँ, अच्छा एक मिनट, ओके, कोई बात नहीं, सर्कमफेरेंस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे अब एरिया सर्कमफेरेंस आएगा वहाँ पे हम एरिया फाइंड करते हैं। जैंगी बता रही है, पहले सारे फॉर्मूले जैनी, यस सर, और डायमीटर दिया हुआ है, देखो मैंने पहले ही बताया था डायमीटर दिया हुआ है तो आपको रेडियस बनानी पड़ेगी। सेवन सेंटीमीटर। अच्छा, एरिया फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला लेना पड़ेगा, फॉर्मूला 1, 2, 3 और 4, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे,
एरिया ऑफ सर्कल जैनी पाई आर स्क्वायर गुड ओके एरिया ए इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22 बाय 7 और यहाँ पे रेडियस दो बार है इसलिए मैंने दो बार लिख दिया आर स्क्वायर था इसीलिए 7 कट हो गया यहाँ पे एरिया है तो क्या लगाना पड़ेगा एस क्यू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर ओके सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था खुशी फाइंड द पेरीमीटर आपको सी फाइंड करना है ओके अभी यहाँ पे पहले ढूंढ लिया हमने तो हम यहाँ पे एरिया फाइंड करेंगे हाँ एरिया फाइंड करेंगे राइट पेरीमीटर हम ढूंढ चुके हैं पहले हाँ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई एरिया ए इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी 22 रेडियस कितना लेना है 7 हो गया मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट तरीका 10 + 4 ये हो गया 440 प्लस ये हो गया 88 ज्यादा कुछ आएगा 6 आ गया 11 आ गया 616 एरिया है तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे यूनिट में उसे एरिया में क्या लिखेंगे लास्ट में यूनिट में स्क्वायर सेंटीमीटर श्रद्धा डायमीटर दिया हुआ रेडियस बनाओ 20. ओके एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर पाई की वैल्यू 22/7 आर कितना है 28 मल्टीप्लाई करा दो जल्दी से कितना हो जाएगा 88 × 28
कितना आएगा? एरिया है तो क्या लगाएंगे पीछे हम, एस क्यू सेंटीमीटर। समझ में आया सुधा? ओके, मल्टीप्लाई बराबर किया ना मैंने, देख लेना एक बार। चलिए सिवान, सिवान रेडियस फाइंड करनी है और पेरीमीटर दिया, मतलब सी दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या लिखे हम, सी बाय 2 पाई। चलो सी की वैल्यू कितनी है, 44 और 2 × 22/7, 7 चला गया ऊपर, 44 × 7/2 × 22, ये पूरी वैल्यू कट हो गई 44 से। आर इजिबल टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। चलिए तक्स, क्वेश्चन बताओ। डायमीटर ढूंढना है और पेरीमीटर मतलब सी दिया हुआ है 132। कौन सा फॉर्मूला लेना पड़ेगा? रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सी बाय 2 पाई। सी की वैल्यू कितनी है, 2 × 22/7, 132 × 7/2 × 22, इसको कट कराओ एक बार, 2 × 6 = 2, 6 = 6, ये कट होगा, 3 × 6 कितना आ गया? क्या यही पूछा था या कुछ और पूछा था क्वेश्चन में? बिल्कुल बिल्कुल, डायमीटर पूछा था तो डायमीटर फाइंड कर लेते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू 2 × रेडियस, स्टार्टिंग में बताया था इंट्रोडक्शन में, डायमीटर डी इज इक्वल टू 2 × रेडियस कितना है हमारे पास, 21। डायमीटर डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। चलिए बहुत ही अच्छा, तक्स की बात कौन है, तक्स की, हाँ युक्ति। रेडियस फाइंड करना है और एरिया दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। पहले मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, सी इज इक्वल टू 2 पाई, आप डिसाइड कर लेना इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये 4 मेन फॉर्मूले हैं, आपको इसी में रहना है। फाइंड द रेडियस और एरिया दिया हुआ है 154, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अब सर्कमफ्रेंस तो है नहीं तो इसमें से कुछ लगने वाला नहीं है, सर्कमफ्रेंस होता तो पहले वाले फॉर्मूले यूज करते हम।
यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, रेडियस फाइंड करनी है। एरिया फाइंड करना होता तो हम ये लगाते, अब एरिया तो फाइंड करना नहीं, मतलब ये लगेगा नहीं, ठीक है। ओके ओके, रेडियस ऑफ सर्कल आर सी इज इक्वल टू, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, एरिया बाय पाई, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 154 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू कितनी, ये चला गया ऊपर, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 × 2 कहाँ पे, अच्छा 2 नहीं आएगा, ओके ओके, हाँ 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, मेरी मिस्टेक थी, 2 नहीं आएगा, इसको कट करोगे 7 से कट होगा ये। रेडियस ऑफ सर्कल कितना आया, 14। इसका मतलब रेडियस ऑफ सर्कल रूट टू निकल जाएगा, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ओके लिख भी जाए, चलिए पोस्टिंग वाला क्वेश्चन आ गया, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन, सोच के बताना है आपको, एरिया है, पेरीमीटर है, कुछ दिया हुआ नहीं है, आपको एज्यूम करना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएगा मुझे बता देना, एरिया। अब ग्रास कहाँ उगता है, अभी बाउंड्री पे उगता है या बीच में उगता है, हाँ ग्रास कट करवानी है, ठीक है, बाउंड्री पे तो ग्रास उगेगी नहीं, ग्रास तो कहाँ पे होगी, हर जगह पे होगी, मतलब ये हर जगह पे होगी यहाँ पे, ठीक है। और कितना कितना रेटिंग दिया हुआ है, कितनी कितने पैसे देने हैं उनको, 300 रुपीज पर, हाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए, बट अब जब एग्जांपल ले रहे हैं हमसे, तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया फाइन करेंगे, थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्मूला ले लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू, अभी मल्टीप्लाई किया था हमने, अभी ये मल्टीप्लाई किया था सद्य वाले क्वेश्चन में, टू फोर फोर सिक्स या टू फोर 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 नहीं नहीं ये शायद कुछ और है, ओके एक बार देखो तो मल्टीप्लाई कितना बन रहा है, कितना आ रहा है, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ भाई, सही है 6-4 आ रहा है क्या, फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है, फाइनल आंसर बताओ, ओके यहाँ पे आंसर खत्म नहीं हुआ, ये तो हमारा एरिया आया, हमें उनके पैसे भी देने हैं ना ग्रास कटवाने के, अच्छा ये फाइनल आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल, कोस्ट निकालो आप इसकी, क्या हो जाएगी, एरिया इनटू, एरिया इनटू रेट 2464 इनटू 300, बताओ कितना आंसर बन रहा है, 739 कोई 1% बोलो, सब लोग मत बोलो, कोई 1% बोलो, सेवन थ्री नाइन, उसके बाद टू हंड्रेड
इतने सारे पैसे कोई देगा नहीं इतने एरिया में, बट ये जनरल हमने सिर्फ क्वेश्चन रखा है। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन आया हमारा। जैनी कोई सर्कल है और उसके सराउंडिंग में यहां पे मुझे एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगानी, इधर इसके ऊपर सर्कुलर डिस्क के ऊपर क्या लगानी है, एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगानी है। जैनी है मीटिंग में? यस सर। हाँ तो अब बताओ कि क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर या फिर एरिया? हमें एल्यूमिनियम की स्ट्रिप कहाँ पे लगानी है, सर्कल के अंदर लगानी है या सर्कल की बाउंड्री पे लगानी है? बाउंड्री। बाउंड्री को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस? सर्कमफेरेंस। ओके सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला बताओ। पाई आर। नहीं 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 2 पाई आर। चलो c = 2 रेडियस दिया हुआ है 21। चलो 7 3 हो गया 2 × 22 × 3 c = 44 × 3 मतलब आपको 132 सेंटीमीटर की लंबी सी एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लेनी होगी। ये लेंथ कितनी होगी 132, और इसको आप यहाँ पे लगा दोगे तो क्या करेगा ये पूरा हर जगह इसके ऊपर क्या हो जाएगी, रैप हो जाएगी। ठीक है इसके ऊपर एक लग जाएगी इस तरीके से, ऐसे बाउंड्री बन जाएगी। क्लियर जैनी समझ में आया? यस सर। ओके शिवान दिमाग वाला क्वेश्चन, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आया। एक्सरसाइज क्वेश्चन आ रहा है, साइकिल का पहिया यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है और रेडियस कितनी दी हुई है, और एक बार 7 मीटर। ठीक है और इसको रोड पे चलना है, और रोड कितना लंबा है, 50 मीटर। तो ये कितनी बार रिवॉल्व करेगा, बोलेंगे रोटेट करेगा ऐसा बोल सकते हैं, इस पहिए को कितनी बार घूमना पड़ेगा तब ये डिस्टेंस कवर होगा, ये ऐसे कितनी बार घूमेगा, एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार छह बार। एक्सरसाइज क्वेश्चन है। अच्छा कोई भी साइकिल का जो व्हील होगा वो उसकी बाउंड्री से घूमेगा या उसके एरिया से घूमेगा? जब साइकिल चलती है तो उसकी बाउंड्री रोड पे टच होती है या उसका एरिया रोड पे टच होता है? बाउंड्री टच होती है। ठीक है 2 पाई आर बिल्कुल सही। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सर्कमफेरेंस सी फाइंड कर रहा हूँ 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस सी इज इक्वल टू 2 × 22/7
रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है, 22/7 कट हो गया, C इज इक्वल टू आ गया कितना 44 सेंटीमीटर, मीटर में दिया हुआ, मीटर दिया हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये एक चक्कर घूमेगा, जब ये एक चक्कर घूमेगा तो रोड का 44 मीटर कवर हो जाएगा, फिर वापस दूसरा चक्कर घूमेगा तो 44 मीटर कवर हो जाएगा, ऐसे ही कितने चक्कर घूमेगा तो हमारा 352 मीटर कवर हो जाएगा। देखो कैसे करना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रोटेशन, यहाँ पे रोटेशन और यहाँ पे डिस्टेंस, एक रोटेशन में 44 मीटर जा रहा है तो 352 में कितने रोटेशन लेगा, ठीक है, क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 352 into 1, हाँ बिल्कुल, इसको आप कट कराओगे मतलब 8 रोटेशन, हाँ मतलब ये क्या करेगा 8 टाइम घूमेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5, 6, 7 और 8 पे आएगा, तब वो क्या करेगा यहाँ पे पहुंचेगा, समझ में आ रहा है बच्चा लोग, युक्ति तर्क श्रद्धा शिवान जैनी दिग्विजय ओके, ये तो था आपका बेसिक सर्कल का बेसिक, ठीक है, अभी तक इतनी बातें डिफिकल्ट आई नहीं, 10th क्लास का सर्कल हमारा स्टार्ट हुआ नहीं अभी तक, और वैसे तो सर्कल के 2 चैप्टर हैं और दोनों चैप्टर बहुत बड़े हैं, बट कोविड सिलेबस की वजह से सर्कल का 80% सिलेबस कट गया है हमारा, सर्कल दोनों चैप्टर आपके बड़े हैं, पहला है आपका एरिया सर्कल और दूसरा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये दोनों चैप्टर आपस में बहुत बड़े हैं, बट इसका 80% सिलेबस क्या हो गया है रिड्यूस, और इसका भी 80% सिलेबस क्या हो गया है रिड्यूस, मतलब कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको करने हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको करने हैं, ज्यादा आपको इसमें इतना पैनिक लेने की जरूरत नहीं, वैसे चैप्टर बहुत बड़े हैं बट 80% सिलेबस कट हो गया है इसका, तो हम क्या करेंगे जो जो क्वेश्चन सिलेबस में है वही करेंगे, ठीक है, तो पैंडेमिक के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया सर्कल का, अभी हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, अभी हमने सेकंड ब्रेक के बाद जो हमने स्टार्ट किया ना वो इसमें से स्टार्ट किया है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से स्टार्ट किया, ठीक है, ये चैप्टर हमारा हो गया है, जो हमने 10.1 और 10.2 किया था ये इसमें था, वो हमारा डन हो गया, और अभी हमने ब्रेक के बाद जो स्टार्ट किया ना वो कौन सा चैप्टर था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ओके, मीटिंग यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं, आपको ये पूरा लेक्चर YouTube पे मिल जाएगा और कल वापस इसी टाइम पे हम वापस इसको कंटिन्यू करेंगे, कोई प्रॉब्लम है किसी को कोई पूछना हो तो बताओ, कोई डाउट किसी को, ओके ठीक है, मीटिंग क्लोज करते हैं।